अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये मायार है, ये स्टैंडर्ड है, ये चेक कर लो। और वो क्या है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, कि तुम सब मोहब्बत का दावा तो कर रहे हो, ठीक है, दावा हर कोई कर सकता है, उसका दावा सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हो तो फत्तबिउनी, तो मेरी इत्तबा करो। तो लिहाजा अगर कोई शख्स चीख चीख के कहे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और वो नबी की इत्तबा नहीं करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने में झूठा है। सिंपल एज दैट। लाइक वी सी ऑन द डे ऑफ 14th August, द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, झंडियाँ लगा लेते हैं लोग, झंडे लहरा लेते हैं लोग, और खुशियाँ भी मना लेते हैं लोग, और बैज भी लगा लेते हैं लोग, लेकिन उसी बैज को उतार के फिर वहीं पे रोड पे फेंक देते हैं, और फिर अगले दिन पाकिस्तान को गालियाँ भी दे रहे होते हैं, और सड़कों पर गाड़ी बीच में खड़ी करके भी चले जाते हैं, और फिर फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो बाहर के होते हैं, ना कि पाकिस्तान के होते हैं। तो मतलब आर यू किडिंग मी, यू लव पाकिस्तान, आर यू सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, आर यू किडिंग मी, यू गोना से दैट। आप ये कहेंगे ना कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो और यू आर वेरी पेट्रियाटिक, आप बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो, लेकिन अमल से कुछ ऐसा नहीं बता रहे। दीन ने, शरीयत ने हमें ये जगह जगह बताया है कि लोगों के दावों और लोगों जो बात कहते हैं उस पर ना जाओ, सी द रियलिटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल उम्मती यदखुलून अलजन्ना इल्ला मन अबा, हर वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उसके जो इनकार कर दे। सहाबा हैरान हो गए, सहाबा ने पूछा मुसलमान होते वो कैसे इनकार कर सकता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया उसने इनकार किया। तो असल रियलिटी देखी जाती है कि है क्या अंदर, दावा नहीं देखा जाता। जन्नत में आज भी हम सब चीख चीख के दुआएं भी मांगते हैं, रोते हुए मांगते हैं कि हमें जन्नत में जाना है, लेकिन क्या हम वाकई जन्नत में जाने की इस तरफ में, इस तलब में सच्चे हैं या नहीं है? कैसे पता चलेगा तलब में सच्चे हैं कि हम नबी की इत्तबा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये शरीयत ने हमें ये सिखाया है कि डोंट गो फॉर वर्ड्स, लुक डीप डाउन इनसाइड, व्हाट इज दिस रियलिटी, रियलिटी क्या है असल में, असल हकीकत क्या है। मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, बहुत से लोग समझते हैं कि ये सिर्फ इमोशनल कॉन्सेप्ट है, दिस इज जस्ट इमोशंस, दैट्स इट। इसीलिए आप देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम आया तो मर मिटाने को तैयार होंगे, लेकिन मस्जिदें खाली होंगी, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ेंगे, दाढ़ी नहीं रखेंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अपना लिबास को पहना वैसे नहीं पहनेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम किया करते थे वो नहीं करेंगे। तो ये मोहब्बत में कुछ कमी है, कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है ये। आज का इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को सिर्फ एक इमोशनल साइड पे लेके गया, हालांकि दीन हमें सिखाता है कि दीन में सिर्फ इमोशंस नहीं है, दीन में इल्म है। फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो, इल्म हासिल कर लो कि बेशक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इल्म की बुनियाद पर दीन इमोशंस को खड़े करता है।